जाति पिछड़े वर्ग महिलाओं और युवाओं का हमेशा सम्मान करती है और मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारी पार्टी के सभी नेताओं को जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। देखिए उनकी सासू माँ है वो मिठाई खिला रही है और निश्चित रूप से एक कितना खुशी होते तो दमानला फेयर टिकट दे। अच्छा खुशी हुई बेटा। अच्छा देखिए मंत्री शिव डेरिया हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। सर आपको आरएन से टिकट मिली हालांकि ये कयास भी लगाए जा रहे थे क्या बदला जा सकता है। नहीं मैंने ये तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाई जा रही अफवाह थी और भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस तरह का अफवाह फैलाती है और हमारी पार्टी पे पूरे प्रदेश के लोग विश्वास कर रहे हैं। हमारे साथ जो है और मंत्री शिव डेरिया जी क्या कहेंगे कितनी लीड रहेगी इस बार। देखिए इस समय पार्टी बेहतर काम कर रही है और हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है और इस बार जो लीड है वो पिछले समय हम जितना से चुनाव जीते तो उसे डबल लीड से कांग्रेस जीतेगी। चार महिला प्रत्याशियों को भी आप हम कर रहे हैं निश्चित रूप से महिलाओं का सम्मान हमारी पार्टी में है। ममता उनसे बातचीत करिए और पूछिए कि आप कोई मुकाबला वो देख रहे हैं और उन लोगों को भी आगे। देखिए मंत्री शिव डेरिया हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और सर ये जो है आपको आप जो है और अगर हम बात करें तो विधायकों की टिकट काटेगी इसको कैसे देखेंगे आप। देखिए वो भी जो जिन विधायकों की टिकट कटी है वो भी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनका भी सहयोग पार्टी को मिलेगा। पार्टी आगे उन लोगों को और भी अवसर देगी उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बेहतर काम हुआ है और हमारी सरकार पिछले समय तो हम 68 सीटें जीत के आए थे बाद के उपचुनाव में भी हम जीते हैं और आने वाले समय में अभी तो जनता कह रही है कि अब की बार 75 पार लेकिन हमारा टारगेट पूरा 90 के 90 विधानसभा सीटें हैं जिसमें हम जीत के आएंगे। अगर हम बात करें सर तो महिला वोटर्स भी बहुत ज्यादा है लेकिन कुछ महिला विधायकों के जो है वो टिकट काटे गए हैं। नहीं टिकट जरूर काटे गए हैं लेकिन वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है और उनके बदले में और भी महिलाओं को टिकट दिया गया है इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी किस तरीके से है। हमारी तैयारी तो पूरे 5 साल से चल रही है हमारी पार्टी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की और हमारी तैयारी आज की नहीं पूरे 5 साल से हम तैयारी कर रहे हैं और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर काम छत्तीसगढ़ में हुआ है। सर राजनांदगांव से जो नाम आया है वो काफी चौंकाने वाला नाम आया है गिरीश देवांगन। हालांकि वो लड़ेंगे और पहले भी अलग अलग तरह से उनके नाम आते रहे हैं कभी राज्यसभा के लिए भी नाम आता रहे लेकिन अब राजनांदगांव में आपने डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ उतारा है। निश्चित रूप से वो हमारे बेहतर प्रत्याशी है और अच्छे कैंडिडेट साबित होंगे और इस बार आपने देखा होगा 20 सीटें जो पहले फेज की है उसमें हम 19 सीट जीते हैं इस बार भी हम राजनांदगांव जीतेंगे और वहां से भारतीय जनता पार्टी का सफाया भी होगा। सर राजनांदगांव से अगर हम बात करें तो अमित शाह आ रहे हैं नामांकन के लिए और पूरी पार्टी जो है वो बीजेपी उस पर ताकत लगाना चाहेगी ऐसे में क्या माने कि गिरीश देवांगन जो है आप उनको मजबूत कैंडिडेट मान के चलते थे या फिर आपको लगता है कि हाँ छत्तीसगढ़ में ये जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय गृह मंत्री जी और इनके जो नेता है वो सिर्फ चुनाव के समय आते हैं 4.5 साल कभी इनके दर्शन हुए क्या। तो छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझती है और भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने के लिए पूरी तरह से तैयारी में है। आप लोग इंतजार कर रहे थे टिकट का तो ये जो है यहाँ पर बात करते हैं उनकी सासू माँ है और यहाँ पे मौजूद है दामाद जी को टिकट फिर से मिल गई फिर। हाँ खुश है। खुश है बहुत खुश बहुत काम करवाए मुर्दमान बहुत काम करवाए हाँ अपन क्षेत्र में ऐसे कोई विधायक नहीं कराए बेटा वैसे ही काम कराए। मिठाई खाओ तो अपन दिखा दो मिठाई। हाँ। अच्छा ये बताओ कि अच्छा लगा उम्मीद रही से मतलब हाँ टिकट मिल ही कर जीत के रही हाँ। जीत के रही दोबारा मंत्री बनी ठीक हाँ। ठीक ठीक ममता 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 क्या लगे थे कि सुबह से तैयारी करते रहा आप मंत्री हाँ ठीक हाँ। ममता अगर हम आरएन की ही बात करें शिव डेरिया की यहाँ पर बात करें जी 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 मेरा सवाल ममता आरएन की बात करें शिव डेरिया की हम बात करें खुश